हाँ छोटे, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ड्यूस प्लगइन का यूज करके काफी ज्यादा पीपी बना सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने पार्ट वन तो इसका मैंने आया था, बट पार्ट वन में सिंपल जो है मैंने एक पीपी बनाना सिखाई थी, और साथ साथ कैसे आप कस्टम किट लगा सकते हो या फिर कैसे आप अरीना अपनी एक ही लोबी के अंदर कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आज के वीडियो में जो है ना आपको मैं तीन अरीना बताऊंगा, जो एक है सुमो और दूसरा है सो और तीसरा है एग शील्ड। मैं तीन अरीना जो है ना, तीन पीपीज के अरीना मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा। और हाँ, मेक श्योर आप मेरा ड्यूस का पार्ट वन लाजमी से देखना, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको पार्ट टू का हो सकता है आपको समझ ना लग पाए, ठीक है। और इस पार्ट वन में जो है ना मैंने बताया हुआ कि आप कैसे प्लगइन को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, या फिर आप कैसे जो है खुद के अरीना जो है स्टेमेटिक फाइल जो होते हैं ना वर्ल्ड एडिट के, वो फाइल डाउनलोड करके लाइक अरीना की फाइल डाउनलोड करके आप कैसे अपने लोबी के अंदर वो अरीना स्पॉन कर सकते हो, ठीक है। ये सारा मैंने उस पर बताया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले आपने एक लोबी बना लेनी है, लोबी में आ जाना है, और लोबी में आने के बाद सिंपल स्लैश TS लिखो, ड्यूस का शॉर्ट फॉर्म है, और स्पेस देके अब यहाँ पे जो है ना अरीना एक क्रिएट करते हैं। सिंपल क्रिएट करो और अरीना को जो भी नाम देना चाहते हो वो दे दो, ठीक है। तो मैं अभी सुमो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल जो है सुमो नाम देके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो सुमो की एक किट बना लेते हैं, ठीक है। देखो किट बनाने के लिए आपको जो भी सामान चाहिए सिंपल क्रिएटिव में जाकर जो सामान लेना चाहते हो वो सामान ले लो, बट सुमो अरीना के लिए कोई भी किट नहीं होती, सुमो में यार हाथों का यूज होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे /TS लिखूंगा, स्पेस दूंगा, और यहाँ पे सेव किट स्पेस दूंगा, और किट को जो भी नाम देना चाहते हो वो दे दो, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सुमो और एंटर कर दूंगा। तो एक किट मैंने जो है सुमो की बना ली है, ठीक है। अब आपने जो है ना एक अरीना स्पॉन करना है अपनी लोबी के अंदर, वो आपने कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने तीन सुमो के अरीना जो है मैंने यहाँ पे स्पॉन किए हुए हैं। ये आपने कैसे करना है आपको जो है ना फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सुमो की, ठीक है। आपने सिंपल वो डाउनलोड कर लेनी है, और उसको कैसे जो है आपने अपलोड करके कैसे उस अरीना को अपने एक ही वर्ल्ड के अंदर स्पॉन करना है वो मैंने ड्यूस के पार्ट वन में मैंने बताया हुआ है। सिंपल आपने वर्ल्ड एडिट का प्लगइन डालना है अपने सर्वर में, और वर्ल्ड एडिट की फाइल्स में जाकर जो है वो फाइल अपलोड करनी है। सिंपल यहाँ पे /schematic पेस्ट दो और यहाँ पे लिस्ट करो और एंटर करो, तो आपके पास सारी फाइल्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। जो भी आपकी फाइल होगी सिंपल उस फाइल पर क्लिक करो और /paste करके एंटर करोगे, फाइल को जो है ना यहाँ पे साइड पे लोड का ऑप्शन आया होगा L का, ठीक है। सिंपल उधर क्लिक करके /paste करोगे तो सिंपल तो आपके जो अरीना होगा वो यहाँ उस जगह पे स्पॉन हो जाएगा जिस जगह पे खड़े होंगे, ठीक है। तो सिंपल मैंने तीन अरीना यहाँ पे स्पॉन किए हुए हैं। अब मैं सिंपल एक अरीना में चलता हूँ यहाँ पे, और एक अरीना में जो है ना दो प्लेयर खेल सकते हैं, ठीक है। तो प्लेयर नंबर वन का जो है ना मैं यहाँ पे स्पॉन लगाता हूँ, /TS स्पेस देके यहाँ पे जो है ना अब आपने करना है सेट स्पेस दो, और यहाँ पे आपके पास सारे अरीना आ जाएगा जो भी आपने बनाए होंगे। तो मैंने यहाँ पे सुमो वाला बनाया, सुमो पे क्लिक करके और स्पेस देके अब प्लेयर वन का स्पॉन लगाना है, वन लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। यहाँ पे प्लेयर वन का स्पॉन लग चुका है, अब दूसरी साइड पे इसकी, और यहाँ पे मैं प्लेयर टू का स्पॉन लगा दूंगा, ठीक है। बस अरीना जो है ना हमारा इतना काम तो हो गया, बट हाफ अभी काम हमारा रहता है। अभी सिंपल क्या करना है, यहाँ पे /TS लिखो स्पेस दो, और यहाँ पे अभी करना है आपने ऑप्शन, ऑप्शन करने के बाद स्पेस दो, और यहाँ पे जो है ना आपकी सारी किट्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सीन बताऊंगा, सिंपल सुमो वाली पे क्लिक करो जो अभी हमने सुमो बनाई है, और सिंपल एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे जो है ना आपको सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे मेक श्योर सबसे पहला काम यहाँ पे आपका अरीना स्पेसिफिक होगा, इसको आपने इनेबल रखना है, क्लिक करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने ऑन कर देना सबसे पहले नंबर पे। अब हम अरीना कौन सा बना रहे हैं, हम सुमो वाला बना रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है ना सुमो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल आपने इसको ऑन कर देना है। सुमो अरीना होता कैसे है, तो सिंपल क्या होता है, दो प्लेयर जो है आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जो भी ऊपर से जो है नीचे पानी में गिर गया तो वो सिंपल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल जो है आपने सुमो वाले को यहाँ से इनेबल कर देना है, इससे ये होगा कि आपकी जो किट है ना आपके किट के ऊपर सुमो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो है अब आपने दोबारा से यहाँ पे /TS फाइंड करना है और स्पेस देके आपकी दोबारा से जो भी सुमो की आपने जो भी सुमो की किट बनाई है सुमो की किट के ऊपर क्लिक करो और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके सारे अरीना मिल जाएंगे जो भी आपने अरीना बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अरीना बनाया है सुमो के नाम से, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये रहा मैंने जो है एक सुमो अरीना बनाया हुआ है। सिंपल आपने जो है इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है ये बाउंड हो जाएगा, लाइक हमने जो भी अभी अरीना बनाया है ना उस अरीना में जो है ये सुमो इनेबल हो चुका है। सुमो में जिस भी तरीके की पीपी होती है वो यहाँ पे इनेबल हो चुकी है, इसको आपने मेक श्योर लाजमी से इनेबल कर लेना, आपने बाउंड कर लेना है, उसके बाद ही ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। करने के बाद जो है ना सिंपल अभी जो है मैं यहाँ पे अपने स्पॉन में चलता हूँ। अब जो है ना हमारा सुमो का अरीना बिल्कुल रेडी हो चुका है, प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब आपने जो है उस पर ज्वाइन कैसे करना है, देखो उसको ज्वाइन करने के लिए ना टोटल तीन तरीके हैं। पहला यहाँ पे /1v1 करो, स्पेस देके जिस भी प्लेयर को इन्वाइट भेजना उस प्लेयर पर क्लिक करके एंटर करो, और उसके बाद यहाँ से आप अरीना की इन्वाइट भेज सकते हो। ये मैंने पार्ट वन में समझाया हुआ कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जो है ना एक NPC भी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे साइन बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा उसको ज्वाइन करने के। एक कोई भी प्लेयर जो है साइन बोर्ड के ऊपर राइट क्लिक करेगा तो कैसे जो है अरीना कर सकते हैं, पहले मैं आपको साइन बोर्ड का बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल /TS लिखो, उसके बाद क्रिएट क्यू करो, क्रिएट क्यू करके स्पेस दो, और आपने अब यहाँ से पूछेगा कि आपने जो भी किट अभी लगा रहे हो उसकी क्या प्राइस क्या लगाना चाहते हो, लाइक वो कितने पैसों में जो है वो अरीना खेल पाए। तो सिंपल मैं जो है ना अभी के लिए जीरो प्राइस से लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप कोई भी प्राइस जो है यहाँ से देख के लगा सकते हो, ठीक है। मैं जीरो प्राइस में करके स्पेस देके अब आपने यहाँ पे अपनी किट सेलेक्ट करनी है, तो कौन सी किट आप
आपने खेलनी है। सो मैं फिर सिलेक्ट करूंगा और सिंपल एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब जो है हमारी एक क्यू यानी कि हमारा जो साइन बोर्ड है वो हमारा रेडी हो चुका है। साइन बोर्ड ले लो और यहाँ पे आपने लगा देना। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद जो है ना टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद जो है ना अब आपने यहाँ पे स्लैश DS लिखो, स्पेस दो, एड साइन करो और स्पेस देके जो भी आपने अभी बनाते वक्त प्राइस लगाई थी ना, जो भी अभी आपने देखा होगा हमने क्रिएट क्यू किया, एक गेट पे जो है हमने बेट लगाई थी। ठीक है, तो सिंपल वही बेट जो है आपने दोबारा से यहाँ पे भी वही बेट लगानी है। सिंपल से दोबारा से जीरो लिख देता हूँ, स्पेस देके अब आपने वही वाली किट सिलेक्ट कर लेनी है जिसपे हमने क्यू एक बनाया। ठीक है, सुमो वाली पे हमने बनाया था, सिंपल सुमो पे क्लिक करके और एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो और हमने जो अभी एक साइन बोर्ड लगाया था इस पे वो आ चुका है। यहाँ पे हो गया, आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे पार्टिसिपेट 1 हो चुका है। इस पे टोटल मैक्सिमम 2 प्लेयर का ही होती है जगह और सिंपल जो है दूसरा प्लेयर भी आके इस पर राइट क्लिक करेगा तो कुछ टाइमर स्टार्ट होगा, 5 सेकंड का टाइम होगा, फिर उसके बाद आप अपने अरीना में स्पॉन हो जाओगे और वहाँ पे सुमो खेल सकते हो। ठीक है, बट अभी जो है हम एक एक्स शील्ड की भी अरीना बना लेते हैं। ठीक है, एक्स शील्ड का भी आपने सिंपल यही स्टेप करना है। यहाँ पे सिंपल स्लैश DS करो, स्पेस देके क्रिएट करो, स्पेस देके जो भी अरीना बनाना है वो कर लो। मैंने सिंपल जो है स्लैश DS क्रिएट और एक्स शील्ड, ठीक है, एक्स शील्ड के जो है मैं एक अरीना बना लेता हूँ। एंटर करूंगा तो हमारा जो एक अरीना है वो क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल अब जो है अरीना की किट भी बना लेते हैं। पहले से जो है एक्स शील्ड की किट बनाई हुई है, मैं सिंपल यहाँ पे स्लैश DS करके लोड किट करता हूँ। जो मैंने जितने भी अपने किट बनाई होंगे ना उनको आप देख भी सकते हो कि आपने क्या क्या की हुई है। मैं सिंपल लोड पे क्लिक करके स्पेस देके और यहाँ पे मैंने एक्स शील्ड की किट बनाई हुई है उस पर क्लिक करके एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो मेरे पास एक्स शील्ड की जो भी किट है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आपने ये सामान ले लेना है, जो जो भी आप देख सकते हो जो मैंने ऐड की हुई है अपनी एक्स शील्ड में, ये सामान ले लो। ये सामान लेने के बाद स्लैश DS और यहाँ पे सेव किट करके और यहाँ पे जो भी किट आप बनाई है उस किट का नाम लिख के एंटर कर दो। ठीक है, सुमो का अरीना जैसे हमने स्पॉन किया था वैसे ही आपने जो है एक्स शील्ड की भी अरीना स्पॉन कर लेनी है। ठीक है, और एक और बात बता दूं, यहाँ पे मैं जितने भी अरीना यूज करूंगा इन सारों को जो है आपने कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 अरीना यहाँ पे मैंने स्पॉन किए हुए हैं, तो सिंपल हम भी एक सेलेक्ट करके मैं पीपी वाला बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल कोई भी जो है एक अरीना स्पॉन कर लो और यहाँ पे मैं स्पेक्टेट करके अंदर चलता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वही सीन है कि यार एक जगह पे प्लेयर 1 का स्पॉन लगाता हूँ मैं। यहाँ पे आके स्लैश DS और यहाँ पे सेट करूंगा, स्पेस दूंगा और जो सी भी आपने किट बनाई है उस किट का नाम लिखो और सिंपल स्पेस दो, प्लेयर 1 कर रहे हो, एंटर कर दो। ठीक है, और दूसरी साइड पे आने के बाद सिंपल प्लेयर 2 का स्पॉन लगा दो। बस सिंपल अपने लोबी में चलता हूँ। यहाँ पे इस पे भी वही सीन है कि यार जैसे आपने इसको बनाया ना क्यू, सिंपल एक्स शील्ड का भी मैं सेम ऐसे ही यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे पहले एक साइन बोर्ड लगा लेता हूँ और यहाँ पे एक्स शील्ड की भी बन चुकी है। अब जो है मैं सूप का बता देता हूँ, सूप का भी सेम आपने ऐसे ही अरीना क्रिएट करना है मैं यहाँ पे। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, सिंपल स्लैश DS करो और स्पेस दो, ऑप्शन करो, स्पेस दो और अभी आपने जो सा भी अभी आपने एक्स शील्ड बनाई थी ना एक्स शील्ड पे क्लिक करो और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक एक्स शील्ड का भी आपको मिलेगा। अब हमारी लास्ट जो है सूप अरीना रह गई है, तो सिंपल सूप अरीना भी बना लेते हैं। सिंपल स्लैश DS क्रिएट सूप और एंटर, अरीना बन चुका है। यहाँ पे किट भी बना लेते हैं, किट आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने किट मैंने पहले से बनाई हुई है। अब सिंपल ये वाली पीपी जो है मैंने ये तो एक्स शील्ड में यूज की हुई है, मैं ये वाला अरीना यूज कर लेता हूँ। सिंपल स्पेक्टेट पे जाके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर अब मैं जो भी आपने सूप वाली अरीना बनाई है उस अरीना को सिलेक्ट करो, स्पेस दो और यहाँ पे प्लेयर 1 का स्पॉन लगा दो और यहाँ पे दूसरी जगह पे भी आपने प्लेयर 2 का स्पॉन लगा देना। ठीक है, इतना करने के बाद जो है ना अब आपने इधर एक और चीज मेन लाजमी करनी है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश DS ऑप्शंस लाजमी करना, स्पेस देके आपने जो भी किट अभी बनाई है इधर सूप वाले की, सिंपल उस किट को आपने सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ना सूप वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इसको लाजमी से इनेबल कर देना। इनेबल करने के साथ साथ आपने यहाँ पे अरीना स्पेसिफिक को भी इनेबल करना। आप जो भी अरीना आप जो भी बनाओगे ना अपने उस अरीना के अंदर ऑप्शन में जाकर लाजमी से अरीना स्पेसिफिक लाजमी से इनेबल करना है। यहाँ पे कॉम्बो पीपी मिलती है। ठीक है, इन दोनों का जो है ना मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आप इनको कैसे क्रिएट कर सकते हो और साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे CPP बना सकते हो। और हाँ, काफी लोगों को जो है ना उस चीज का प्रॉब्लम आ रहा है कि यार कोई भी ऑब्सीडियन लगाता है CPP के अंदर तो वो ब्लॉक उस अरीना के अंदर से नहीं हटता। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी जो है मैं फिक्स कर दूंगा। ठीक है, बस इतना करने के बाद जो है ना अब हम चलते हैं स्लैश MV स्पॉन करता हूँ। मैं अपने स्पॉन पे चलता हूँ। सिंपल जैसे हमने दो क्यू यहाँ पे लगाया सैंड बोर्ड के, इधर भी मैं वही लगा लेता हूँ। अभी जो है ना फ्रेंड के साथ जो है ना खेल कर दिखाता हूँ। सिंपल अभी हम सुमो वाली ट्राई करते हैं। सुमो पे हमने राइट क्लिक करेंगे इधर और देख सकते हो यहाँ पे मैं ऐड हो चुका हूँ। सुमो वाली पीपी में सिंपल आपस में जो है हमने मारना है एक दूसरे को, किसी को भी नीचे गिराना है पानी में। वो मैं क्रिएटिव में हूँ, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रिएटिव में हूँ तो मैं भूल गया यार, मैं सिंपल जो है ट्राई में चले जाता हूँ। ओके, देखो मुझे मार पा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे खुद चला जाता हूँ। अब कोई भी पानी के अंदर आ गिर गया ना ऊपर से तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है दूसरी पीपी भी हम ट्राई कर लेते हैं। सिंपल इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा जैसे 2 प्लेयर्स पूरे होंगे और यहाँ पे अब मैं पीपी कर पाऊंगा। मैं 100 पे मैं वैसे ही मरने वाला हूँ। ठीक है, ओके, जो है यहाँ पे देख सकते हो ये भी पीपी बिल्कुल वर्क कर रही है। और यहाँ पे अब मैं तीसरी पीपी भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। सिंपल इस पे मैं अब राइट क्लिक करूंगा। सॉरी, इसको मैंने बाइंड करना बहुत सिंपल। जो है मैं यहाँ पे स्लैश DS करूंगा, स्पेस देके यहाँ पे बाइंड लिखूंगा, स्पेस देके अब जो है आपने कौन सी वाली किट थी, ये थी मेरे ख्याल से सूप वाली। ठीक है, सूप
कॉपी वाली जो है मैं इधर यहाँ पे किट सेलेक्ट करूंगा। किट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करूंगा जो मैंने पहले अरीना में आपको बताया था ना सुमो वाले पे, तो अपने सूप वाले को भी इसी तरह से सिलेक्ट करना है ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सूप आपको मिल जाएगी, सूप वाले पे मैं बाउंड कर देता हूँ, सिंपल सूप वाले को आपने बाउंड कर लेना है ठीक है। ज्वाइन करता हूँ अब जल्दी से ना इसके साथ जो है सूप पी करके देख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये वाली पीपी भी बिल्कुल वर्क कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने टोटल 3 पीपी वगैरह आपको बनाना सिखा दी, आप कैसे जो है सुमो 2 पीपी और एक्सेल पीपी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ठीक है। तो बस ये आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।